नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूँ संगम रॉय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर से, जहाँ नवगछिया में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में बताया जा रहा है कि 9 लोग प्रवासी मजदूर हैं, जिन पर रफ्तार की कहर टूट पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस मलबे को शांत कराने में लगी हुई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर से, जहाँ नवगछिया में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार के लिए राहुल कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं, देखिए खरी के अंबू में जो सड़क हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा है, और मौके पर जो प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, अनुमंडल प्रशासनिक पदाधिकारी परवेंद्र भारती वो मौजूद हैं, कई थाना की पुलिस जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है, और अब तक जो है लगभग एक दर्जन से अधिक की संख्या में लोगों के बारे में आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो है 9 सब को बाहर निकाला गया है। अब बंद कराने देखी भाई हल्ला करबो ध्यान गाली देबो। इस बार आप देख सकते हैं किस तरह से अब क्रेन के सहारे जो है हटाया जा रहा है और सबको बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 9 शव को बाहर निकाला गया है और घटना का कारण जो है वो रफ्तार बताया जा रहा है। रफ्तार के कारण जो है ये बड़ी घटना घटी है नवगछिया में, और अब जो है पुनः आवागमन जो है वो शुरू कर दी गई है। सबको निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं।